तक उसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा ज्योग्राफी का पार्ट नंबर थर्ड, इससे पहले मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिए। तो ये हमारा भारत का भौतिक स्वरूप, तो इसको आपको क्या करना है, जो बेसिकली कितने थे हमारे फोर पॉइंट थे यानी फोर स्टेप थे, उनको अपने कंप्लीट कर लिया। जो हमारे बचे हुए हैं कितने, वो बचे हुए टू, तो इनको भी हम कंप्लीट करने के बाद में इसको भी पूरा फिनिश कर लेते हैं। फिनिश करने के बाद में हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर, ताकि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बड़ा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये है भारत का भौतिक स्वरूप पार्ट थर्ड, ज्योग्राफी का चैप्टर है और ये है चैप्टर नंबर टू। तो सबसे पहले जो पार्ट हो चुके हैं, अब ये हमारा पार्ट फोर, मतलब ये इसको बोलेंगे स्टेप। वैसे तो ये पार्ट थ्री है, मगर जो हमारे फोर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए स्टेप, ये हमारा स्टेप कौन सा है, ये है स्टेप हमारा फोर्थ, सॉरी फिफ्थ है, चार मैंने करा दिया आपको, पांचवा है, यानी कि पांचवा ही तरह मैदान है। पार्ट थर्ड है, पांचवा स्टेप है, फिफ्थ स्टेप है, ज्योग्राफी का चैप्टर है हमारा भारत का भौतिक स्वरूप। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करना है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर भी करना। तो एक सेकेंड मैं जरा फोन फैन थोड़ा स्लो कर दूं, ताकि आपको आवाज जो मेरी वॉइस है और क्लियर जाए। तो फैन मैंने थोड़ा स्लो कर दिया, क्योंकि अगर फैन ऑन थोड़ा ज्यादा रहता या फास्ट रहता तो आवाज आपकी, मेरी जो वैसे तो माइक लगा हुआ है। तो क्या करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, आराम से तैयारी होगी घर बैठ के, जैसे भी कोई नो प्रॉब्लम नो टेंशन। तो सबसे पहले देखिए तटीय मैदान, यानी कि हमारा फिफ्थ स्टेप है, इसमें क्या प्रायद्वीपीय पदार्थ के किनारों संकीर्ण तटीय, ये लिख लिया पट्टियों का विस्तार है, यानी जो प्रायद्वीपीय हमारे पठार होते हैं, जैसे ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार है, ये सब पठार हो गए। आपने देखा होगा डेजर्ट में होते पठार, कभी कोई ऊंचा हो गया कभी नीचे हो गया, तो इसको क्या होता है, प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। ठीक है, आप विस्तार को आप पता ही, जो तटीय पट्टियां होती है आपने देखा होगा, पट्टियां ये बनी होती है ऐसे, विस्तार है बड़ी बड़ी पट्टियां होती है, ये पश्चिम में अरब से लेकर ये पश्चिम, अब मैं डायरेक्शन भी आपको दो वीडियो में बता दी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो ये पश्चिम में अरब से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है, यानी कि ये क्या है, ये पश्चिम में अरब से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है, यानी कि कह सकते हैं जो इसकी हमारी मतलब कहते हैं लेंथ होगी, लंबाई होगी, या हम कहते हैं सर्कुलेशन होगा, वो कहां तक होगा, पश्चिम से अरब से लेकर बंगाल तक होगा, यानी जो बंगाल की हमारी खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल जिसको हम बोलते हैं, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है, यानी पश्चिमी जो घाट है हमारा, मैंने डायरेक्शन भी आपको बताई थी, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो पश्चिमी घाट हमारा कहां पहुंच गया, वेस्ट में, तो ईस्ट वेस्ट यानी कि पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। आपको जब भी कोई नोट्स बनाने हो, आपको पूरा चैप्टर, आप मैं समझ रहा हूँ कि आप किसी के अभी डॉक्टर दिल्ला किसी के पास बुक नहीं होगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी, नो टेंशन, आपको क्या करना, सारी बुक का जो कवर है मैं यही करवा दे रहा हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम होती है मगर जब आप वीडियो देखोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप वीडियो को देखा करिए, सारे नोट्स प्रॉपर बनाइए, सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपके इसके करवाऊंगा एक एक करके, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप उन पॉइंट को नोट करिए, पॉइंट कैसे है आपको देखो बनाना, ताकि मैदान के, तो देखो वन पॉइंट बन गया, स्टार बना के बना लो, कैसे बना लो, तो प्रायद्वीपीय पठार के किनारों, जो किनारे होते हैं किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है, तो ये पहला फर्स्ट पॉइंट हो गया, यहाँ पश्चिम अरब से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तार तक, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, यहां से लेकर यहां तक सेकंड, और पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। तो तीन यानी तीन या वैसे पॉइंटों बनाओ तो पॉइंटों बना लो, और वैसे अच्छे से करके बनाओगे तो आप क्या करोगे, स्टार बना लो तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे, क्योंकि लगातार हमें चैप्टर भी अपना पूरा कंप्लीट करना है, इसके क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखा करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करा करो। नोट कर लीजिए आप इसको। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, अगर बाय चांस जो मैं आपको ये ऊपर वाली लाइन है तो उसको अगर आप देख रही तो इसको आप ध्यान रखना, वैसे तो ये मैदान लिखा हुआ है, अगर थोड़ा बहुत रह जाता तो आप मेरी वॉयस को सुना करिए कि क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मैदान। ठीक है, तो ये मैदान है और ये लिखा है के तीन, के तीन, अब आपको क्लियर दिखता होगा कि ये मैदान तीन, ठीक है, मैदान के तीन, ठीक है, तो आपको ये क्लियर दिख रहा है, वैसे तो मैंने लिख दिया है, आपको ध्यान रखना, क्योंकि बाई चांस कभी ऐसा होता है ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा हट जाता है, तो ये मैंने लिख दिया थोड़ा, तो आप उसको ध्यान रख दिया, इस मैदान के तीन भाग हैं,
अब मेरी वॉइस को सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो इस मैदान के कितने भाग हैं? इस मैदान के तीन भाग हैं। वो कौन कौन से हैं? अभी देखेंगे। तट के उत्तरी भाग में कोकर, यानी कि जो हमारा पहला है वो जो हमारा तट के उत्तरी भाग में कोंकण, मुंबई तथा गोवा। और जो हमारा मुंबई तथा गोवा है वो कहां पर मिला हुआ है? कोकराली। इसके बाद में मैप भी करेंगे, जो हमारे अपसौर उपसौर होते हैं, सूर्य क्या होते हैं, मून सैटेलाइट्स क्या होते हैं, स्टार क्या होते हैं, अर्थ क्या होती है, अर्थ कैसे बनती है, किस तरीके से वो अपना परिक्रमण करती है, सौरन इक्लिप्स क्या होते हैं, मून इक्लिप्स क्या होते हैं, हम सब पढ़ेंगे बारीकियों से। बस अब क्या, अभी पहले इसको देखिए, आप जो हर सिलेबस है मेन कंटिन्यूस दो। तो मुंबई तक गोवा मध्य भाग को कंकण, यानी मध्य भाग को क्या कहते हैं? कन्नड़ मैदान। एवं दक्षिणी भाग को मालाबार कहते हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना अच्छे से कि मध्य भाग को क्या कहते हैं? कन्नड़ कहते हैं। मध्य भाग को कन्नड़ कहते हैं और दक्षिणी भाग को क्या कहेंगे? मालाबार। ठीक है, आपको ये पॉइंट मध्य में ध्यान रखना। मध्य में कंकण है और तो हमारे जो दक्षिणी भाग है उसमें क्या है? मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है, यानी जो बंगाल की खाड़ी है बे ऑफ बंगाल, उसका जो भाग है वो कैसा, जो उसका भाग या मैदान है वो कैसा है? एक तो चौड़ा है, दूसरा समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, मतलब जो हमारा नॉर्थ है वहां क्या कहा जाता है? इसे नॉर्थ गवर्नमेंट कहा जाता है। दक्षिणी भाग में कोरोमंडल, दक्षिणी भाग में क्या कहा जाता है? इसे कोरोमंडल कहा जाता है। दक्षिण भाग में से क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, यानी कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। बड़ी नदियां यहाँ, बड़ी नदियां कैसे होती हैं? तो बड़ी नदियां कैसे होती हैं? तो बड़ी नदियों को आप देख लीजिए। बड़ी नदियां यानी कि पहले होगी हमारी महानदी, सबसे फर्स्ट वो हमारी कौन सी? महानदी। गोदावरी सेकेंड कौन सी हो गई? गोदावरी। थर्ड हो गई हमारी कृष्णा तथा कावेरी, यानी कि हमारी जो नदियां हैं महानदी हो गई। महानदी का आपको पता होना चाहिए, ओडिशा। गोदावरी, कृष्णा, जो फेमस नदियां कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण बनाती हैं। तो डेल्टा क्या होते हैं? डेल्टा मैं अभी आपको बताऊंगा इसमें, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो मैं आपको डेल्टा बताऊंगा कि डेल्टा क्या होता है। ध्यान रखना डेल्टा क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, इसका पॉइंट है नेक्स्ट। अभी अब मैंने जो बताया आपको कि जो मैं आपको डेल्टा बताऊंगा, डेल्टा होता क्या, कौन कौन सी रिवर डेल्टा बनाती है, तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है, यानी कि जो चिल्का झील हमारी है वो चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा पर महानदी, यानी उड़ीसा जो स्टेट है वहां बनी हुई है और उसको हम महानदी, जैसे चिल्का झील जो है वो महानदी पर बनी हुई है और ये कहां स्थित है? ये है ओडिशा में। तो आप उसको ध्यान रखना है। देखो यहाँ लिखा भी होगा, मैंने लिख भी दिया, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी कि जो खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? चिल्का है। तो आपको ध्यान रखना, अगर कोई पूछ ले आपसे कि चिल्का झील कहां पर बनी हुई है, तो आपको ध्यान रखना वो महानदी ओडिशा, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ भी है, ये ओडिशा में महानदी के डेल्टा के दक्षिणी में स्थित है, यानी कि जो ओडिशा है ये ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिणी में स्थित है, यानी कि दक्षिणी में क्या स्थित है? ये देखिए दक्षिणी में स्थित है कौन? हमारी महानदी। तो वही डायरेक्शन मैं आपको बना दे रहा हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो देखिए इसको, में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, यानी कि साउथ में स्थित है। ये तो हो गई हमारी चिल्का झील। नेक्स्ट है हमारा प्रवाल। तो प्रवाल क्या होते हैं ऐसे देख लेते हैं। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाला सूक्ष्म प्राणी है। ये देखिए जो मैंने लिखा है प्रवाल, ये ठीक है। प्रवाल पॉलिप्स कम समय जो है हमारा तक जीवित रहने वाला सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म प्राणी है, यानी कि ये हम बोलते हैं प्रवाल, यानी कि इसको जैसे हमने देखा होगा कहीं कहीं पानी होता है, कहीं पानी नहीं होता, तो ये क्या उतले पॉलिप्स में होता है, यानी कि जैसे कह सकते हैं इसको समूह, जैसे गर्म पानी या उतले पानी में उसकी आदत हो जाती रहने के लिए, तो ये गर्म पानी में रहता है। आगे लिखा हुआ भी है, जो कि समूह में रहते हैं यानी ग्रुप में ये रहते हैं। कौन रहते हैं? हमारे प्रवाल।
इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है, यानी कि इनका जो विकास है वो छिछले तथा गर्म जल में होता है, मतलब कम पानी, जैसे कह सकते गर्म उबला हुआ पानी जैसे होता है, गर्म जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो छिछला होता है ऊपर, हल्का हल्का आपने देखा होगा बहुत ज्यादा मेटल की तरह पड़ जाता है बिल्कुल लाल, तो उसमें क्या होता है जब गर्म पानी होगा तब इसका क्या होता है विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, इसको बोलते हैं हम प्रवाल। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा डेल्टा, आप ध्यान रखना जैसे ही होता है। इसके बाद हमारा एक और बचा हुआ है, ये हमारा होता है कंप्लीट। अब एक जो हमारा सिक्स वाला स्टेप है वो उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा डेल्टा, ठीक है। तो एक और रह गया हमारा, उसको भी नोट कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को नोट नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं सकते, इसीलिए आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप नोट कर लीजिए फटाफट, मैं हट जाता हूं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, अभी हम जो पढ़ रहे थे प्रवाल, ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, यानी इसमें क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियों, जो हमारी अस्थियां होती हैं, टीले के रूप में निक्षेपित होता है, यानी जो इसका रूप होता है इसमें क्या कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, और इसमें जो होता है वो अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती है, यानी कि घटित होती है, निक्षेपित होती है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं हमारा लास्ट द्वीप समूह, एक यही बचा हुआ है, क्योंकि मैं इसको भी आपको बता दिया ताकि इसको आपको ध्यान रखना है कि इसमें अगर जैसे पूछे जाए कि प्रवाल में क्या पाया जाता है, तो प्रवाल में क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको आपको ध्यान रखना है कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, और ये क्या है स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। द्वीप समूह क्या होता है, तो द्वीप समूह में देख लेते हैं, भारत में द्वीपों का समूह है, जो भारत है भारत क्या है, भारत में द्वीपों का समूह है, और उसमें कौन से, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार, ये माना जाता है कि ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों का शिखर है, यानी कि जो हम मान रहे हैं इसको कि ये जो द्वीप समूह शिखर है वो किस तरीके से है, तो जो हमारे भारत में द्वीपों का क्या है एक समूह कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, कि द्वीपों को पता ही आपको समूह है, उत्तर में अंडमान यानी उत्तर में क्या हमारा अंडमान, दक्षिण में निकोबार यानी कि उत्तर में हमारा क्या पहुंच गया अंडमान, और दक्षिण में यानी साउथ में हमारा क्या पहुंच गया निकोबार। ये माना जाता है कि द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है, ये द्वीप देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि जो ये देश की सुरक्षा के लिए जो द्वीप होते हैं वो क्या होते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो मैं भी आपको बता रहा था कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है और ये द्वीप देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बीच बीच में आपको देखता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, अच्छे से दिख रहा नहीं दिख रहा, नहीं बाई चांस कभी ऐसा होता है कैमरा है तो सेटिंग जो होती है कहीं पता चले मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपको वो चीज ऊपर दिखाई नहीं देती, या कभी जैसे का ऊपर नहीं दिख रहा है एन ऊपर नहीं दिख रहा, तो आप इसलिए मैं बार बार उसको देखता हूँ कैमरा को ताकि आपको जो चीज यहाँ पर प्रॉपर अच्छी तरीके से दिखाई दे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अभी डेल्टा हमारा बचा हुआ, डेल्टा को हम अभी बताएंगे आपको, थोड़ा सा और रह गया फिर हमारी चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, थोड़ा सा और कर लीजिए फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम नेक्स्ट में, इतना कर लीजिए आप पहले इसको, ठीक है कर दीजिए फटाफट। नेक्स्ट देख लीजिए आप जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट स्टेप होगा, तो आप हम ये देखते हैं अच्छे समझते हैं ताकि आपको बिल्कुल कोई भी ध्यान ना रहे कि एक जो जैसी चीज है हमें वो बताई ना गई तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, तो जैसी बात गलत हो गई तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो कि आपको वो ध्यान ना रहती कि इसमें कौन कौन से पॉइंट बताए गए। ये चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, ये चैप्टर क्या है हमारा, ये चैप्टर है हमारा लॉन्ग चैप्टर में अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी चैप्टर हो चुके हैं आप उससे बेफिक्र रहिए, अगर किसी बच्चे का कोई भी स्टूडेंट आपका अगर रह जाता है चैप्टर तो मैं क्या करूंगा उसको करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको जैसे कोई चैप्टर रह रहा है, ठीक है आप मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे कोई बच्चा न्यू आया या कुछ पुराने को सबका हो गया, कोई बच्चा न्यू आया तो वो ये सोचता होगा कि सर हमारा चैप्टर नहीं हो पाया, हम कैसे यूटी देंगे, हमारे यूटी कैसे होंगे, कैसे हम एग्जाम में प्रिपरेशन करेंगे सर, तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए, मैं आपके लिए जो भी आपकी जो पीडीएफ होगी वो मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा, आप जाके चैनल पे देख लेना या ग्रुप में देख लेना, आज या कल में वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, उससे आप अपने एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। रही बात हमारा सिलेबस की, वो आपको पता है कंटिन्यू चल रहा है, किसी बच्चे का एक भी क्वेश्चन कुछ नहीं बचेगा, आप बिल्कुल ऐसा नहीं रहना कि हम
हमारा कोई क्वेश्चन छूट गया तो सर हमें नहीं कराएंगे, सबको करवाऊंगा, डोंट वरी। इसके लिए आप बेझिझक रहें, कतई ही परेशान ना हो, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ, मगर क्या करना है आपको, ज्यादा ज्यादा वीडियो देखना है और ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बस। क्योंकि जो बच्चे मैं सोच रहा हूँ, जो बच्चे आपके साथ में, जैसे आप हो तो आप घर पे बैठे हुए हो, दूसरा भी बैठा हुआ है घर पे, तो उसको वो मटेरियल नहीं मिल पा रहा, तो आप क्या करोगे, उसको ये चीज शेयर कर दोगे ताकि वो भी इस चीज को सुन सके, देख सके और अच्छे से समझ सके। क्योंकि वो भी आपका भाई बहन या फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है जो लॉकडाउन चल रहा है उसके समय में, वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकता। इसीलिए मैं हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए ये सारे जितने भी टॉपिक है आपके सब टॉपिक करवा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद आपको इंग्लिश की भी वीडियो मिल जाएगी, एडजेक्टिव की, जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव आपके जो है मैंने 2 पार्टों में कम्प्लीट करा दिया, जो डिग्री के थोड़े से फॉर्म्स और बचे थे कैसे उसका यूज होगा। तो ऐसा नहीं क्वेश्चन हम जितने हमारे जैसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हुआ, कोई भी क्वेश्चन आ गया तो हम उसको एग्जाम में कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ सारी चीज ली है और हमसे वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा। अब आप प्राइमरी के बच्चे नहीं रहे, अब आप थोड़े जूनियर लेवल के बच्चे पहुंचे, मतलब कह रहे हैं कि जूनियर जो स्टूडेंट्स हैं उसमें पहुंच गए आप। जब तक आप किसी चीज को अच्छे समझोगे नहीं, अब आपकी जो एजुकेशन है वो थोड़ी हाई प्रोफाइल हो गई है। तो अपनी एजुकेशन को बरकरार रखना है और आपको सीखते हुए चलना है कि किस तरीके से आप चीजों को सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो इसको आप कंटिन्यू लगातार बनते रहिए। और क्या करना है आपको, जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो उसको प्रॉपर नोट्स में बनाइए, जो भी चीज देख रहे हो प्रॉपर नोट्स में बनाइए। कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है लगातार वीडियो देख रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं देख रहे हैं, तो उसको जो नहीं देख रहे हैं मेरा उनसे ये कहना है कि वो वीडियो को प्रॉपर देखें, क्योंकि वीडियो देखने से आपके सारे कंफ्यूजन दूर होते हैं। मैं नोट्स आपको दे दूं, आप क्या करो उसको उतार लो तो कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे मैंने क्या करा, कोई चैप्टर मैंने आपको नोट्स उसके दे दिए, तो नोट्स देने के बाद में क्या हुआ, जैसे मैंने कोई चैप्टर आपको कराया, जैसे मान लो भारत का भौतिक स्वरूप कराया, उसके चैप्टर के नोट्स मैंने आप प्रोवाइड करा दिया, आपने उसको कॉपी कर ली और अच्छे से लिख लिया, आपके चैप्टर को समझ में नहीं आएगा कि इस चैप्टर में है क्या क्या चल रहा है, कुछ नहीं समझ में आएगा। अब मैंने पहले भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ा दिया या भारत का आकार स्थिति पढ़ा दिया, और पढ़ाने के बाद में एक एक पॉइंट आपको समझा दिया पूरे चैप्टर का, ये यहाँ है नन्ना देवी, यहाँ इसकी लेंथ ये होती है, सब कुछ उसके बाद में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराया, तो आप उस चीज को अच्छे से समझ सकते हो कि हाँ इस चैप्टर में ये चीज थी, इस चैप्टर में ये चीज थी और हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। तो नोट्स की तरफ नहीं भागना है, चैप्टर को समझते हुए भी चलना है। तो आते अपने, अब इन द्वीपों में क्या होता है आप देख लीजिए, इन द्वीपों में पाए जाने वाले पादप, यानी जो हमारे द्वीप चल रहे हैं, तो इन द्वीपों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है या विविधता होती है। विविधता को बोले हम बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी में जितनी भी होंगी हमारे जाति प्रजातियां कितनी होती, किस तरीके की होती है, तो सब ये आ जाती है बायोडायवर्सिटी, यानी कि जो आपकी डायवर्सिटी होती है, डायवर्सिटी हम बोलते हैं विविधता को, और बायो बोलते हैं हम जैव को। तो बायो का कहीं बायोडायवर्सिटी लिखी होती है तो आप उसको पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी जैव विविधता, और कहीं पे अगर डायवर्सिटी लिखी होती है तो आप इसको पढ़ेंगे विविधता, यानी विविधता। कहीं कहीं आपने देखा होगा विविधता में एकता, जैसे कह सकते हैं कि विविधता एकता, विविधता विविधता में एकता की विविधता में एकता है, अनेकता में एकता, वो भी आपको पता। तो ये विषुवत वृत्त के समीप स्थित है, विषुवत यानी कि यार, और ये हमारा विषुवत, तो आपको ध्यान रखना जैसे मैंने ये अर्थ बना दी, अर्थ उससे आप परेशान मत होइए कि अर्थ आपको जितने भी है कि अर्थ ही नहीं मिलेगी अर्थ को समझाने को, तो वो सारे टॉपिक आपके कवर होंगे, उसकी आप बेफिक्र होकर पढ़ाई करिए। तो ये मैंने जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर ये बता दे रहा हूं, तो आपकी ये जा रही ना, इसको बोलते हैं हम विषुवत या इक्वेटर, तो आपको 0 डिग्री होती है विषुवत रेखा जिसे बोलते हैं, ये होती है मध्यमान रेखा, और ये जो जा रही है इसको बोलते हैं हम क्या बोलेंगे, कर्क, कर्क रेखा ऊपर जाती है, नीचे जाती है हमारी, इसको बोलते हैं हम क्या बोलेंगे, मकर रेखा, नीचे जाती है मकर, ऊपर जाती है कर्क रेखा। और ये भी आपको ध्यान रखना, जो पृथ्वी है वो 3.5 डिग्री गोलन करती रहती है, और 66.5 डिग्री ये क्या होती है, अपनी एक्सिस पर थोड़ी क्या होती है, झुकी होती है, तो उसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखते हैं एवं यहाँ की जलवायु, यानी क्लाइमेट, यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा ये घने जंगलों से आच्छादित है, आच्छादित का मतलब होता है घिरे हुए, ये घने जंगलों से घिरे हुए है,
यानी कि यहाँ की जो जलवायु क्लाइमेट है वो क्या है, वो है विषुवतीय, यानी जो इसकी यहाँ की जलवायु है वो है कैसी, विषुवतीय है, तथा ये घने जंगलों से घिरे हुए है या आच्छादित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो भारत का एक सक्रिय मात्र ज्वालामुखी, अब इसको आप बहुत बारीकी समझना है इसको आपको जो मैं बता रहा हूँ। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है, यानी कि जो बैरन द्वीप है उस पर स्थित है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी हमारे होते हैं तीन प्रकार के, सबसे पहले होता है सक्रिय ज्वालामुखी, विषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी, तो तीन टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं बोलगानो, जिनको बोलते हैं बोलगानो ज्वालामुखी। तो ये होते कितने टाइप के मैंने बता दिया आपको, और ये सक्रिय ज्वालामुखी यानी जिसको बोलते हैं एक्टिव बोलगानो सक्रिय ज्वालामुखी, ये वहां पर जैसे मैं आपको बताऊं जैसे आपको इटली का एंटना इक्वेडोर में स्थित है, तो वो ऐसा एक ज्वालामुखी है जो लगातार फटता रहता है लगातार। फ्यूजियामा जापान में है, तो वो थोड़ा विजुबियस है, शांत रहता है आराम से, उसे कोई फट गया तो फट गया, नहीं तो कोई बात नहीं, विजुबियस थोड़ा विषुप्त है, विषुप्त पड़ा रहता है शांति से। तो ये कैसा है, द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। अब हम बात करते हैं डेल्टा बी, ये तो चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट जो मैं आपको बता रहा हूं, तो ये चैप्टर क्या हो गया हमारा, ये चैप्टर बिल्कुल हमने कर लिया कंप्लीट, इसके करेंगे हम क्वेश्चन आंसर। अब हम मैं आपको बता रहा हूं कि डेल्टा क्या होता है, किस तरीके से डेल्टा बनते हैं उसको मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ताकि आप उस चीज को समझ सके। जो डेल्टा है वो दो रिवर बनाती है, गंगा और एक दूसरी ब्रह्मपुत्र, एक गंगा बनाएगी दूसरी ब्रह्मपुत्र, तापी और नर्मदा ये ऐसे रिवर है जो डेल्टा नहीं बनाती, आप इसको ध्यान रखना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है और तापी और नर्मदा ये डेल्टा नहीं बनाती है। तो डेल्टा देखिए, डेल्टा होता क्या है, जैसे एक रिवर ये एक रिवर जा रही है, ठीक है, एक रिवर इधर से आ रही है, एक ये रिवर आ रही है, एक रिवर आ रही है, ये देखिए ये रिवर आ रही है, ठीक है, ये रिवर यहां से जहां तक जितनी भी आ रही है तो उसको आप अच्छे, तो मैं आपको ये बता रहा था ये डेल्टा क्या होते हैं। तो डेल्टा देखिए, जैसे एक रिवर यहां से आ रही है, एक रिवर ये आ रही है, ये पूरी रिवर है, ठीक है, तो ये रिवर ये है, एक रिवर है, और जो एक रिवर इधर से आ रही है, वैसे जहां पर भी, वैसे तो मैंने ये बना दिया है, अब ये यहां पर जितना भी पानी जो जो ये रिवर्स है, तो ये क्या मिलेंगी, दोनों जितनी भी चार रिवर मिल जाएंगी तो क्या बना लेंगी, एक सेप आकार बना लेंगी, तो ये सेप आकार इनका बन जाता है ऐसे करके, चाहे किधर भी ले लो, चाहे मान लो ये भी आकार बन गया इनका, ऐसे बन गया आकार, ऐसे बन गया आकार, चाहे ऐसे आकार ले लो, कैसे भी आकार बना लो, जैसे इनका जैसे कैसे आकार ऊपर उठ रहा है, तो ये डेल्टा बनाती, डेल्टा और ऊपर बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये डेल्टा ऐसे ऊपर आकार, पानी जितना भी है जैसे फ्लो में एक करंट में आता है, तो जो फ्लो करंट में आ गया, जैसे इधर से रिवर आ रही, इधर से रिवर आ रही, ऊपर क्या जा रहा, ऊपर क्या जा रहा, पानी जा रहा ना, तो जहां फ्लो में मिलेगा एकदम मिक्स होके और ऊपर पानी बढ़ गया, तो ये जितना भी ये बड़ा ऊपर वो सब पानी पानी में जा रहा, तो इसको आप देखने और बना ले। और जो डेल्टा बनाती है वो कौन बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो रिवर होती है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है, नर्मदा तापी वो है रिवर डेल्टा नहीं बनाती, तो इसको अच्छे से आप नोट कर ले, ये मैंने बता दिया आपको कि ये डेल्टा होता क्या है, ठीक है, ये डेल्टा क्या होता है इसको आप बना ले। जो गंगा ब्रह्मपुत्र है वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र, तो गंगा ब्रह्मपुत्र क्या डेल्टा बनाती है, नर्मदा तापी जो रिवर नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। मैंने ये समझाने के लिए आपको बता दिया कि इस तरीके से आप बना ले, ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक। और अब क्या करना है आपको, मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो क्या करना है, ये सब आपने देख लिया, चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या करना है आपको, वही करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों में जिनका शेयर करना है, ताकि और भी लोग इसको देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।